अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एमडीकेट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए एक मजीद चैप्टर का वन शूट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। हम न्यूक्लियर फिजिक्स का वन शूट करने वाले हैं, यानी कि एमडीकेट सिलेबस के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हमें गिवन है हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के बाद हम इसी ही चैप्टर की एमसीक्यूज की वीडियो भी करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आई सजेस्ट कि आप पेन कॉपी जर्नल जो भी है वो साथ लेकर बैठ जाएं और नोट डाउन करना भी स्टार्ट कर दें, बिकॉज के ये चैप्टर क्लियर होने के बाद मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में से आने वाले एमसीक्यूज को आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता चलूंगा मैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में अपनी जो है वो कीमती राय जरूर दीजिएगा, बिकॉज के इतनी एफर्ट्स लगाने के बाद एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड होती हैं। आपकी एप्रिसिएशन हमें बूस्ट करती हैं कि हम मजीद इन लेक्चर्स के ऊपर काम करें ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स को। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास किसकी स्टडी है? ये हमारे पास है न्यूक्लियस की स्टडी, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है उसको समझने के लिए पहले आप देखें कि ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम के अंदर देखें कि ये जो पर्पल कलर के आपके बॉल्स हैं ये एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड एक हैवी बॉल टाइप स्ट्रक्चर के अराउंड। ये जो हैवी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है सेंटर के अंदर, इससे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये मैसिव पार्ट ऑफ एन एटम होता है। एटम में जो मैसिव जो एटम का मास होता है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम के ऊपर ही। तो ये एक मैसिव पार्ट है एटम का। अच्छा, उसके बाद आप यहां पर देखें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और ये न्यूक्लियस जो है वो कंपोज है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का। अब देखें कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमें मालूम है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की वो रदरफोर्ड ने की। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? अब यहां पर ये सब इंफॉर्मेशन है, हमें याद होना चाहिए कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो डिस्कवरी प्रोटॉन की जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जेजे थॉमसन ने किया था। इसके बाद द फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियस रेडियस इज आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 ए का पावर 1/3। ये हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला है जिसमें ये जो आर नॉट है ये हमारे पास 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर्स के बराबर है, जबकि जो ए है ये एटॉमिक मास नंबर। अब देखें कि ये जो 10⁻¹⁵ है ये एक प्रीफिक्स है और 10⁻¹⁵ वन फेमटो के बराबर, तो 1/2 सेम 10⁻¹⁵ की जगह पर हमने फेमटो लिख दिया और यहां पर मीटर आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमें बताना क्या चाह रहा है या इस फॉर्मूले के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है
वो डिपेंडेंट है एटॉमिक मास नंबर के ऊपर, यानी आपके पास जितना एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर होगा उतना ही जो रेडियस होगा वो भी ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर द एटॉमिक मास नंबर, ग्रेटर विल बी द रेडियस। इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास न्यूक्लियर वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब देखें कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है, जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये स्फीयर टाइप है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के साथ ही मैच आएगा, यानी कि वी इज इक्वल टू 4/3 πr³ हो जाएगा। आर क्या है? आर हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस है, तो आर की जगह पर मैं आर की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो आर नॉट 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास न्यूक्लियर वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। और न्यूक्लियर वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें क्या बता रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस भी हमारे पास डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एटॉमिक मास नंबर के ऊपर। ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ग्रेटर विल बी द वॉल्यूम। जितना एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर होगा उतना ही वॉल्यूम भी हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। अब देखें, अब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और फिर एटॉमिक मास नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आप देखें हम कितना बेसिक से लेकर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमें बहुत आसानी से जो टॉपिक्स हमें मेंशन किए गए सिलेबस के अंदर वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम हो जाएगा। ठीक है, आप देखें अगर रिप्रेजेंटेशन हम लें किसी भी एलिमेंट की, तो ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, ए जो है वो उसका एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा, और ये जो जेड है वो नीचे यहां पर आ जाएगा, और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर के बराबर हो जाएगा। अब अगर मुझे एटॉमिक मास नंबर मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कर दूंगा। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम चार्ज नंबर भी कह रहे हैं, जो कि जेड के बराबर है, तो हम पी के प्रोटॉन की जगह पर जेड भी यूज कर सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं, तो जेड यहां पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किस तरह अगर नेगेटिव हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर? एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स में हमारे पास आइसोटॉप्स हम किससे कहते हैं? जिनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर्स जो है वो सेम हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास नंबर सेम हो उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे जीनोन एंड सीजियम, हमारे पास इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं और वो 36 होते हैं। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज यहां से भी आ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स में क्या होता है कि एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। ये आइसोटॉप्स के वाइस वर्सा हो जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, ये आइसोटॉप्स हैं। अब आइसोबार्स क्या है कि एटॉमिक मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे हमने दो एलिमेंट्स लिए हुए और दो यूं कह लेंगे दो आइसोटॉप्स लिए हुए हैं, सॉरी आइसोबार्स लिए हुए हमने। आइसोबार्स का हमें कैसे पता चला? आप देखेंगे इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 14। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है। तो एटॉमिक मासेस सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या है? आइसो बार्स हैं। फिर हमारे पास आइसोटॉन्स आ जाते हैं। आइसोटॉन्स क्या होते हैं? जिनमें एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। जैसे 13-6 अगर हम करें तो 13-6 हमारे पास 7 बचेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 7 आ जाएंगे।
न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के भी अगर हम देखें तो 14-7 7 आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास सेम है। एटॉमिक नंबर्स अगर देखें तो दोनों डिफरेंट है, नाइट्रोजन के 7 कार्बन के 6। एटॉमिक मास नंबर देखें तो एटॉमिक मास नंबर भी दोनों के चेंज है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारे पास आइसोटोन्स का एग्जांपल हो जाएगा। अब इसको ही आगे लेकर चलते हैं और अब हमारे पास आ जाएगा मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या है हमारे पास, मिरर न्यूक्लियाई में हमारे पास देखेंगे दो एलिमेंट्स हैं, दो एटम्स हैं। अब इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कुछ इस तरीके से मैच हो जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एक्स बराबर हो जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ वाई के, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एक्स बराबर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ वाई के, तो ये हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लिए हमने, पहला हाइड्रोजन देखें आप आइसोटॉप्स नहीं, हमने दो एटम्स लिए। अब देखें यहां पर आप, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं आप गौर से सुनिएगा, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1, ठीक है, और सेकंड वाले की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, ठीक है ना। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करें तो 3-2 हमारे पास 1 आ जाएगा, क्लियर, और इसमें 3-1 करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 आ जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1। तो आप देखें कि क्या ये एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई नहीं हो रहे, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वाई, सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ वाई, तो ये मिरर न्यूक्लिया हो गए। लेकिन आप देखेंगे ये जो मिरर न्यूक्लिया है वो आइसोबार्स से मैच नहीं खा रहा, देखें ना आइसोबार्स में भी क्या था, एटॉमिक मास सेम और हमारे पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यहां पर भी मिरर न्यूक्लिया में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आइसोबार्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स का है, दो डिफरेंट एटम्स का है, जबकि यहां पर सेम की बात हो, क्लियर। तो ये मिरर न्यूक्लिया और आइसोबार में फर्क है, इसको आप याद रखिए। अब हम आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैकरल ने, ठीक है, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हेनरी बैकरल ने परफॉर्म किए वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर की। अब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट, ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हेनरी बैकरल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो इन्हीं के ऊपर या यूं कह लें कि इन्हीं को लेकर उन्होंने परफॉर्म किया। अब मैं जल्दी जल्दी से यहां पर इनकी डेफिनेशंस भी आपको शो कर देता हूं और उनको एक मतलब आप पढ़ भी लेता हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। जैसे कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट और गिव आउट लाइट और एनर्जी ऑफ देयर ओन आर रेफर्ड टू एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, द सेंसेशन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बिकॉज द लाइट इज एमिटेड बाय देम ऑन देयर ओन, फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टॉर्च, ट्यूबलाइट्स, कैंडल्स एंड सो ऑन। इसी के बाद फिर हमने फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरसेंस की भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्लोरोसेंस इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन केमिकल्स टू गिव ऑफ विजिबल लाइट आफ्टर एब्जॉर्बिंग रेडिएशन विच इज नॉट नॉर्मली विजिबल सच एज अल्ट्रावायलेट लाइट, और फॉस्फोरसेंस क्या है, इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस इज रिलीज रिलेटिवली स्लो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों ही डेफिनेशन आपको इजिली समझ में आ गई होंगी। हम आगे मूव करते हैं और यहां पर हमारे पास है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहां पर आप देखें कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और यहां पर मैं कुछ जो वो एक जैसे बॉक्सेस बना लू, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने के लिए
हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखें कि हमारे पास फोर बॉक्सेस हैं। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर इनको डीके होना है, अगर इनको डीके होना है या रेडिएशंस को एमिट आउट करना है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा बॉक्स पहले डीके होना शुरू हो जाए। हो सकता है कि पहले ये डीके होना शुरू हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट ये ही डीके होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि फर्स्ट ये ही डीके होना शुरू हो जाए, यानी कि ये खुद से ही काम करना शुरू हो जाएंगे, खुद से ही डीके के प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की भी डेफिनेशन के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज वन डेट अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एनर्जी इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल विल रोल डाउन एन इंक्लाइन, वाटर विल फॉल डाउन हिल, आइस विल मेल्ट इन टू वाटर, रेडियो आइसोटॉप्स विल डीके एंड आयरन विल रस्ट। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉस्फोरसेंस, फ्लोरोसेंस, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ये वो सारी चीजें आ गई जो कि रेडियो एक्टिविटी के लिए जरूरी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे आते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, यानी कि जेड इज इक्वल टू जेड ग्रेटर देन 82, ये सब के सब हमारे पास क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, हम आगे ये डिस्कस भी करेंगे, तो वो खुद को डीके करते हैं, यानी कि स्टेबल होने के लिए वो डीके का प्रोसेस करते हैं। तो जो रेट ऑफ डीके होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर से, यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं कम करें, प्रेशर बढ़ाएं कम करें, रेडियो एक्टिव का जो रेट ऑफ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो रेट ऑफ डीके होगा वो इससे इंडिपेंडेंट होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। फिर रेडियो एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे, जिन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो उनकी जो नेचर होती है रेडियो एक्टिविटी, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। यानी कि जितना हम देखेंगे कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल है, उतना ही रेडियो एक्टिविटी का जब वो प्रोसेस होगा। तो ये हमें पॉइंट याद रखनी है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के ऊपर। ऑल द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल। अनस्टेबल होते हैं तभी तो वो स्टेबिलिटी की तरफ आना चाह रहे होते हैं, और जब वो स्टेबिलिटी की तरफ आना चाह रहे होते हैं तो वो अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और रेडिएशंस को एमिट आउट कर रहे होते हैं। जैसे आप देखेंगे अनस्टेबिलिटी क्या शो कर रही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बराबर नहीं है। जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आपस में बराबर नहीं है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, वो डोमिनेंट हो जाएगी ओवर द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और अब फिर क्या होगा कि न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा और प्रोटॉन खुद को न्यूट्रॉन में चेंज करने की कोशिश में रहेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस की इमिशन होगी, जिसके थ्रू ये अपनी स्टेबिलिटी को जाने की कोशिश करेंगे। अब देखें कि न्यूक्लियर रेडिएशंस आ गई, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल को एक लीड के अंदर रखा गया और फिर नेगेटिव पॉजिटिव जब पोटेंशियल्स रखे गए या मैग्नेटिक फील्ड में से उनको पास करवाया गया, तो फिर उनमें हमारे पास बैंड्स आए। जो नेगेटिव की तरफ बैंड आया उसे हमने अल्फा का नाम दे दिया, जो पॉजिटिव की तरफ आया उसे हमने बीटा का नाम दे दिया, और जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ उसे हमने, उस रेडिएशन को या उस रे को हमने गैमा का नाम दे दिया, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं,
अल्फा रेडिएशन क्या है और फिर बीटा और गैमा को भी डिस्कस करते हैं। देखें कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, ठीक है। यानी कि जब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम की इमिशन होगी तो हम कहेंगे कि वो अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन हो रही है। जैसे यहां पर आप देखेंगे इस जनरल फॉर्मूला में आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है, इसमें एटॉमिक नंबर में जेड माइनस टू आ जाए और एटॉमिक मास में ए माइनस फोर, यानी कि एटॉमिक मास में से फोर माइनस हो, तो आप देखेंगे ये जो एटॉमिक मास फोर और एटॉमिक नंबर टू, ये किसका है हमारे पास, ये हीलियम का हमारे पास न्यूक्लियस बन रहा है। तो आप देखेंगे जो डीके हुआ है या जो रेडिएशन से मिट आउट हुई है वो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हुई है। तो हम जब इस तरीके की रेडिएशन का मिट आउट होगा तो हम उन्हें नाम देंगे एज एन अल्फा पार्टिकल्स। जैसे यहां पर आप देखें कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 226 और एटॉमिक नंबर 88 है, ये एक पेरेंट न्यूक्लिया है। जब ये डीके हो रहा है डॉटर न्यूक्लिया के अंदर, हमेशा पेरेंट न्यूक्लिया डॉटर न्यूक्लिया के अंदर डीके होगा, तो क्या होगा कि इनमें इनके एटॉमिक मास में 4 का चेंज आएगा। आप देखेंगे 226 में से 222 पर चला गया और एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आएगा, 88 माइनस 2 86 हो जाए। तो हीलियम का न्यूक्लियस यहां पर इन टर्म्स ऑफ अल्फा पार्टिकल के एमिट आउट होगा, तो हम कहेंगे कि ये अल्फा रेडिएशंस की इमिशन हुई है या अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन। उसके बाद फिर हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं। अब बीटा पार्टिकल क्या है जिसमें इमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स। अब ये तब होता है जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी और एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास एमिट आउट होंगे। आप देखेंगे फिर हमने जनरल ले लिया, यहां पर एटॉमिक मास ए एटॉमिक नंबर जेड। तो अब जब आप देखें कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, आप देखें ना कि एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो एटॉमिक मास तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर में अब 1 की एडिशन हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 बढ़ा है। जब 1 प्रोटॉन बढ़ा है तो यहां से इमिशन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो जाएगी, जिसको हमने इस तरीके से लिखा है। मजीद मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आप देखेंगे एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स कितने हैं, 4 4 है। अब जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 3, प्रोटॉन्स कितने हो गए, 5। पहले भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो सम था वो भी 8 के बराबर था, अब भी 8 के बराबर है। तो इट मींस के जब बीटा पार्टिकल्स की इमिशन होगी तो एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पर अगर 1 8 हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो रही है, और इसी तरीके से अगर -1 हो रहा है तो फिर हमारे पास बीटा पॉजिटिव की इमिशन होगी। जैसे अब मैंने नीचे लिखा हुआ है कि पहले न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा था प्रोटॉन में, अब प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो जब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में तो ई पॉजिटिव यानी कि पॉजिट्रॉन की इमिशन होगी और न्यूट्रिनो की इमिशन होगी, ठीक है। ई पॉजिटिव लिखें या बीटा पॉजिटिव लिखें, ये हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। अब पॉजिट्रॉन को आप देखें कि ये तो हमारे पास जनरल आ गया, एलिमेंट एक या एटम आप इसको ले लें या न्यूक्लियस आप कंसीडर करें। यहां पर आप देखें एटॉमिक मास सेम रहा, एटॉमिक मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर में जेड माइनस वन का चेंज आ गया, ठीक है। तो एक प्रोटॉन जो है वो पॉजिट्रॉन जो है वो बाहर निकला। अब पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन के लिए हम ये याद रखें कि ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपने ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फर्क है। थर्ड है हमारे पास गैमा रेज।
जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स, ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से जो रेडिएशन एमिट आउट होती है, जो रेजेस एमिट आउट होती है, उन्हें हम गैमा रेजेस कहते हैं। आप देखिए यहां पर कि ये न्यूक्लियस पहले एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल के अंदर चला। अब जब ये डी एक्साइट होकर दोबारा ग्राउंड लेवल के अंदर आएगा तो ये फोटोन्स को इमिट आउट करे और इन्हीं फोटोन्स को हम गैमा रेज कह रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये जो ए के ऊपर मैंने स्टार दिया है, ये डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस को शो कर रहा है। ठीक है, और आप देखें कि जब ये एटम जो है, आप इसे यूं कंसीडर करें कि एटम जो है वो एक्साइटेड से हमारे पास ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में गया है। अब ये जब ये डी एक्साइट हुआ है तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, और क्या एमिट आउट किया इन्होंने, रेडिएशन को एमिट आउट किया इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। अब ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है। इस ग्राफ पर हम पहले आने से पहले हम एक टर्म को डिस्कस कर लेते हैं और वो टर्म है हमारे पास हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ को यहां पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, या चलें हम हाफ लाइफ के उस पर बाद में आते हैं, पहले इस ग्राफ को ही डिस्कस कर लें। आप देखें कि हमारे पास ये एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, और अब ये पेरेंट न्यूक्लियाई अपने डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, और जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो, इट मींस के तो जो टाइम रिक्वायर होगा उसे हम वन हाफ लाइफ कहते हैं। वन हाफ लाइफ को हम मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपने यहां तक रखना है। अब जब ये एन एन नॉट अपॉन टू अपने डॉटर न्यूक्लिया के अंदर चेंज होगा तो ये एन नॉट अपॉन फोर हो जाएगा इस एन नॉट का, फिर ये एन नॉट अपॉन फोर अपने डॉटर न्यूक्लिया में चेंज होगा तो एन नॉट अपॉन एट हो जाएगा। तो इस एन नॉट की हाफ साइकल्स जितनी बढ़ती जाएंगी उतना ये अपने डॉटर न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता रहे। आप देखेंगे इनिशियली एन नॉट है, फर्स्ट हाफ साइकिल पर ये एन नॉट अपॉन टू के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फिर सेकेंड हाफ लाइफ के ऊपर ये एन नॉट अपॉन फोर में आया, थर्ड हाफ लाइफ के ऊपर ये एन नॉट अपॉन एट के ऊपर आया। हाफ लाइफ बढ़ती गई, एन नॉट डीके होता है। तो जो हमें ग्राफ मिला, वो ग्राफ हमें क्या मिला, जो कर्व हमें मिला वो एक तो एक्सपोनेंशियल कर्व मिला, दूसरा जो स्लोप मिला उस स्लोप को हमने नाम दिया एक्टिविटी का, और ये जो स्लोप है कि ये हमें डिक्रीजिंग मिला। और आप देखें इस पॉइंट्स को हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं। स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के। डेल्टा वाई की जगह पर हमने चेंज इन एन को रखा और डेल्टा एक्स की जगह पर हमने चेंज इन टाइम को रखा, ठीक है। तो चेंज इन एन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ये हमारे पास बराबर है रेट ऑफ डीके के। आप देखिए ना कि कैसे पेरेंट न्यूक्लियाई विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता जा रहा है, तो ये रेट ऑफ डीके आ गया। और रेट ऑफ डीके हमारे पास किसके बराबर है, एक्टिविटी के बराबर। तो जो स्लोप हमें मिला वो किसके बराबर मिला, एक्टिविटी के बराबर मिला, डिक्रीजिंग मिला, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग की वजह से हमारे पास ए जो है वो नेगेटिव आ गया, एक्टिविटी नेगेटिव मिली। लेकिन आप देखेंगे ये जो एन के नंबर है ये जीरो नहीं होंगे, ये याद रखिए। तो यहां पर हमने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि एक्टिविटी डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एक्टिविटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। आप देखेंगे पहले एन नॉट, फिर एन नॉट अपॉन टू में, फिर एन नॉट अपॉन फोर में, फिर एन नॉट अपॉन एट में, और यहां पर
फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो ये जो एक्टिविटी है ये कॉन्स्टेंट नहीं रहे। अब यूनिट ऑफ एक्टिविटी हमें किसने दिया या यूनिट ऑफ एक्टिविटीज कितने हैं, इसे हम बैकरेल के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, इसे हम क्यूरी के अंदर भी, रदरफोर्ड के अंदर भी, काउंट्स पर मिनट या काउंट्स पर सेकेंड या काउंट्स पर ईयर के अंदर भी हम इसे लिख सकते हैं। एक बैकरेल किसके बराबर है, 1 dps के बराबर है, यानी कि 1 atom dk पर सेकेंड। और 1 curie किसके बराबर है, 1 curie हमारे पास बराबर है 3.7 × 10^10 बैकरेल के बराबर, जबकि 1 rutherford हमारे पास किसके बराबर है, 10^6 बैकरेल्स के बराबर। तो ये भी हमें याद रखने, इसे नोट जरूर करिएगा। अब आ जाते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, अल्फा, बीटा और गैमा रेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो आप देखेंगे अल्फा पार्टिकल का जो नेचर है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, बीटा पार्टिकल का क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन से मीट आउट होंगे या पॉजिट्रॉन से मीट आउट होंगे। गैमा रेज जो है वो अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिशन, इसके ऊपर जो चार्ज आती है वो 2e की आती है, यहां पर जा तो प्लस ई या माइनस ई आएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर नो चार्ज, तभी तो ये स्ट्रेट निकल जाती है। इनके सोर्सेज हैं हमारे पास RN-222, SR-94, CO-60। इनके नाम क्या हैं ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। अब जो आयोनाइजेशन पावर है 10^4, 10^1 और 1, ठीक है, तो आप देखेंगे जिसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगी उसकी रेंज कम होगी। आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल्स की ज्यादा है, यानी कि आइंस बनाने की यूं कह लें कि एबिलिटी इनके पास ज्यादा है, तो इनकी रेंज कम है। रेंज क्या है, सेवरल सेंटीमीटर्स तक, 10^1 कम है तो सेवरल मीटर्स तक आ गई। फिर 1 आई तो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि फोर्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं ना कि फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और फिर हम पढ़ देंगे रेडियस ऑफ द स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती हैं चीजें। तो इसी तरीके से यहां पर भी ये जो गैमा रेज है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करें। एब्जॉर्प्शन पर ये पेपर तक ही एब्जॉर्ब हो पाती है, ये एल्यूमिनियम तक और ये लीड तक। एनर्जी इनकी क्या है, अल्फा पार्टिकल्स की कांस्टेंट, बीटा पार्टिकल्स की वेरिएबल होती रहती है, क्योंकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और ये फिर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, तो एनर्जी चेंज होती रहती है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स की कांस्टेंट है। स्पीड इनकी क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10^7 मीटर पर सेकेंड, बीटा पार्टिकल्स की 1 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, और गैमा पार्टिकल्स की 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फिर हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मैटर के साथ रेडिएशंस किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद मैटर, जब अल्फा और बीटा पार्टिकल्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोड्यूस करेंगी, नथिंग एल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। देयर एनर्जीज आर लेस देन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट एंड प्योर प्रोडक्शन विल अकर। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की वजह से कभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और प्योर प्रोडक्शन अकर नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है एनर्जीज की वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे होती है, कम होती है। अब जब मैटर इंटरेक्ट करेगा गैमा रेज से तो फिर हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन आकर होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी इट मींस के वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होंगे, तो ये सब अफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से लेकर पेयर प्रोडक्शन तक तब ही अकर होते हैं जब हमारे पास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की।
अब आ जाते हैं हम हाफ लाइफ पर, ठीक है। हाफ लाइफ क्या है? इज दैट टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ वन एटम्स विल डीके। जब हाफ हमारे पास अब हाफ पर डीके हो जाए एटम्स, तो जो टाइम उनको लगेगा अपने हाफ तक डीके होने में, उन्हें हम वन हाफ लाइफ का नाम देंगे। जैसे यहां पर पहले 100 थे, ये 50 तक आए, तो पहली हाफ लाइफ यहां पर हो जाए, देखा 100 का 50 है। दूसरी हाफ लाइफ तब होगी जब 50 25 के अंदर आ जाए। तो 100 को 25 तक आने में कितनी हाफ लाइफ चाहिए? 2 हाफ लाइफ चाहिए। और 12.5 तक जाने में 3 हाफ लाइफ चाहिए। तो आपको होप्स के डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा अनस्टेबल रेडियो आइसोटॉप होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसे डीके होने में। टाइम टोटल लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज इनफाइनिटी या इन्फिनिटी। जो टोटल लाइफ होती है एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की, वो इन्फिनिटी होती है, यानी कि टाइम ऑफ एलिमेंट इन विच इट डीके ऑल ऑफ इट्स नंबर ऑफ एटम इज इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब हाफ लाइफ 3 टाइप्स की होती है। एक एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, जो कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर होती है। फिर आ जाती है हमारे पास मॉडरेट एवरेज हाफ लाइफ, जो कि इन मिनट्स और डेज होती है। और फिर लॉन्ग पीरियड हाफ लाइफ होते हैं, जो कि इन ईयर्स के अंदर होती है, ठीक है। तो आप देखें कि माइक्रो सेकेंड से लेकर इन ईयर्स तक, और हम अब इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं कि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स के ऊपर। अब एक बात हमें याद रखनी है, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, ठीक है। फॉर सपोज इफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम इज नॉट गिवन, देन फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग इज 1/100%। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने, रिमेनिंग मालूम करने, तो एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन कर लेनी है। 2 की पावर में जो एन है, ये है नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स, ठीक हो गए। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं 100 और 2 हाफ साइकिल्स, तो एन की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 का पावर 4, ठीक है। और 100 डिवाइडेड बाय 4 25, तो आप देखिएगा कि 100 2 हाफ साइकिल्स के बाद कहां पर पहुंच जाएगा, 25 तक पहुंच जाएगा। एग्जांपल पीछे डिस्कस भी किया हमने। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन ही ना हो, तो फिर हम फॉर्मूला क्या देंगे, 1/100%, ठीक है। 1/100% करेंगे, हमें नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग मालूम हो जाए। इसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स डीके। नंबर ऑफ एटम्स डीके कितने हुए, ये अगर हमने मालूम करना है, तो हमने एन नॉट माइनस एन नॉट की पावर एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन का फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स डीकेड कितने हुए वो मालूम कर, और अगर नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग हमें मालूम करने, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास इसी को इसके थ्रू करने की कोशिश कर, मैं 2-3 हाफ लाइफ के थ्रू आपको समझाता हूं। आप देखें कि सैंपल रिमेनिंग डीके, फ्रैक्शंस में रिमेनिंग डीके और परसेंटेज में रिमेनिंग डीके, ठीक हो गई बात। अगर हमारे पास एक भी हाफ साइकिल नहीं चली है, तो रिमेनिंग कितने एन नॉट, डीके कितने में 0, फ्रैक्शन में रिमेनिंग कितने 1, डीके कितने में 0, परसेंटेज में रिमेनिंग कितने 100, डीके कितने में 0। फर्स्ट हाफ साइकिल पर क्या होगा कि एन नॉट अपने हाफ पर चला जाएगा, यानी कि एन नॉट अपॉन 2 पर आ जाएगा, और डीके कितने हो जाएंगे एन नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, क्लियर। फर्स्ट हाफ साइकिल पर, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, एन नॉट की पावर एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, 1 आ जाएगा यहां पर, एन नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर डीके कितने हुए हैं वो मालूम करना है, तो हमने जस्ट क्या करना है
कि एन नॉट, ठीक है, एन नॉट और एन नॉट माइनस एन नॉट की पावर, एन नॉट की पावर सॉरी एन नॉट अपॉन टू की पावर एन, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, हमें ये मालूम हो जाएगा। आपने करना है और मुझे बताना भी है कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें, नंबर ऑफ रिमेनिंग की बात हो रही है, तो एन नॉट डिवाइडेड बाय टू की पावर एन, ठीक है, टू की पावर एन पर सेकेंड हाफ लाइफ है तो टू की पावर टू हो जाएगी, फोर एन नॉट अपॉन फोर हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से यहां पर एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन टू की पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो थ्री एन नॉट अपॉन फोर आ जाएगा, जो कि डीके हो चुके होंगे। फ्रैक्शन में हमारे पास वन अपॉन फोर आ जाएगा और डीके में हमारे पास थ्री अपॉन फोर आ जाएगा। फ्रैक्शन में हमने मालूम किया ना कि हमारे पास वन अपॉन फोर और यहां पर डीके में थ्री अपॉन फोर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से परसेंटेज में जो रिमेनिंग बचे होंगे वो 25% और जो डीके हो चुके होंगे वो 75% हो चुके। इसी तरीके से आपने ये पांचों हाफ साइकल्स पर जाना है और मुझे बताना है कि आपने ये ग्राफ आपको समझ में आया, ये टेबल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है, देखें कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। एक्टिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट पर। तो अब मैं एक्टिविटी की जगह पर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट की जगह पर मैं एन लिख सकता हूं। क्लियर हुई बात यहां तक? अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम हटाएंगे तो वी यूज इज इक्वल टू साइन एंड कॉन्स्टेंट। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही किया, हमने इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट को यूज किया, ठीक है। और अब चेन एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन आ गया। ये जो लेमडा है ये हमारे पास डीके कॉन्स्टेंट होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि नंबर्स कम होंगे, कम होने के लिए हमने यहां पर नेगेटिव साइन को यूज किया। अब डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी एक्टिविटी के बराबर, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन के बराबर आ जाए। लेमडा किसके बराबर? डीके कॉन्स्टेंट के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? आप देखेंगे एन यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड करे तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू ए अपॉन एन। क्लियर हुई बात? अब यहां पर अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीके कॉन्स्टेंट। हाफ लाइफ हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डीके कॉन्स्टेंट। अगर हाफ लाइफ ज्यादा है तो डीके कॉन्स्टेंट कम है, और अगर डीके कॉन्स्टेंट ज्यादा है तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा आप। अब देखें कि लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन एन, ए की जगह पर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी कर दिया, अपॉन में एन कर दिया, ठीक है। अब हम इनको चेंज कर सकते हैं डेल्टा टी और डेल्टा एन को, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एन अपॉन एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा एन अपॉन डेल्टा की डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है? रेट ऑफ डीके के। और एन किसके बराबर है? नंबर ऑफ एटम। तो हमारे पास रेट ऑफ डीके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे और वो किसके बराबर हो जाएंगे? डीके कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएंगे। ऐसा यूनिट क्या है डीके कॉन्स्टेंट का? इनवर्स रिलेशन में हाफ साइकिल हाफ लाइफ से, तो यहां पर सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स एट गिवन एट एनी इंस्टेंट वो क्या हो जाएगा? एन की पावर टी, ठीक है। अब एन की पावर टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी एन नॉट के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद क्या होगा कि एन नॉट अपॉन टू हो जाएगा, ये जो एन की एन सुफिक्स टी है ये एन नॉट अपॉन टू के बराबर हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद। ई एक्सपोनेंशियल जो है वो माइनस लैम्डा टी वन अपॉन टू, यानी कि हाफ साइकिल आ गई और ये एन नॉट आ गया। अब जब ये एक्सपोनेंशियल है इसे हम नेचुरल लॉग के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है एल एन, क्लियर, अपॉन में ये जो पावर है ये अपॉन में चली जाती है।
एन नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 हो गया, ये पूरा नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हुआ, इसकी पावर अपॉन में आ गई लैम्डा टी 1/2 के बराबर। अगर हम देखेंगे लैम्डा टी यहां पर बाय क्रॉस ही करें हम तो लैम्डा टी 1 से मल्टीप्लाई होगा, टी 1/2 हाफ साइकिल आ जाएगी, 2 यहां पर से एलन के साथ जाकर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, लैम्डा यहीं का यहीं रहेगा, तो हाफ साइकिल या हाफ लाइफ इज इक्वल टू एलन नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। नेचुरल लॉग 2 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0.693 के, और 0.693 अपॉन लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो हाफ लाइफ का जो फार्मूला आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0.693 अपॉन लैम्डा के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बचता है जिसे हम कहते हैं मीन लाइफ। अब मीन लाइफ क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1/ लैम्डा अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टी एवरेज के यानी के मीन लाइफ के बराबर। इसी के साथ साथ हम एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं जिसमें हाफ लाइफ है 5 डेज और टी जो है वो हमें 10 डेज दिया, ठीक है, और हमें बताना है नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स बताना, कह रहा है कि टोटल 10 डेज हैं और जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसकी हाफ लाइफ 5 डेज है, तो आप बताएं कि कितनी हाफ साइकिल्स गुजर चुकी होंगी। तो अब इसके लिए हम एकदम से फॉर्मूला यूज करेंगे टी यानी कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय एन। क्लियर हो गई बात यहां पर। तो अब क्या होगा कि हमने एन इज इक्वल टू टी की जगह पर टी की पावर 1/2 हाफ लाइफ रख दिया यहां पर, अब टी की जगह पर 10 आ गया, हाफ लाइफ की जगह पर 5 आ गया, तो 5 × 5 = 10, एन हमारे पास बराबर आ जाएगा 2 की। तो भाई यहां पर 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 10 था, 10 से ये 5 पर आया और अब सेकेंड हाफ लाइफ में ये 2.5 पर चला गया। तो इस तरीके से ये वो टॉपिक्स थे जो कि हमारे पास एमडी किट के अकॉर्डिंग गिवन है हमारे सिलेबस के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी किस्म का मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करवा सकूं। अभी मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।